तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, इस टेम्पलेट को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसे कैसे कस्टमाइज करना है, मॉडिफाई करना है, टेक्स्ट को कैसे चेंज करना, सारा प्रोसीजर मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये सब जानने के लिए वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रह सकते हैं। दोस्तों इस टेम्पलेट को आप, इस लोअर थर्ड को आप आफ्टर इफेक्ट में या प्रीमियम प्रो दोनों में किसी में भी यूज कर सकते हैं। दोनों में यूज करने का अपना अपना तरीका होता है, जो मैं सभी कुछ इस वीडियो में दिखा दूंगा आपको, ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ आ जाए और देन आप आसानी से इसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने फाइल को डाउनलोड कर लिया होगा, तो आपके पास एक जिप फाइल होगी कुछ इस तरीके से, एंड देन इसे राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, आपके पास फोल्डर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे इस फोल्डर को आपको ओपन करना है, इसके अंदर मैंने कुछ फाइल्स दिए हैं आपको जो कि इसमें प्रोजेक्ट में यूज़ होंगी। जैसे कि एसेट्स को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे दो फॉन्ट्स मिलेंगे आपको, इन दोनों फॉन्ट्स को इंस्टॉल करना होगा प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले। इस दोनों को जस्ट सेलेक्ट करें, देन राइट क्लिक इंस्टॉल करके यहाँ से इंस्टॉल कर ले। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला। देन बैक करते हैं, यहाँ पे एक दो तरह का आफ्टर इफेक्ट का फाइल दिख रहा है दोस्तों आपको। ये अगर आपके पास लोअर वर्जन है 13, 14, 15 तो इस फाइल को ओपन करेंगे। अगर आपके पास 18, 19, 20 है तो आप इस फाइल को ओपन करेंगे। डन। मेरे पास अभी 2018 है, इसलिए मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। जस्ट आफ्टर इफेक्ट को ओपन करते हैं यहाँ से, देन फाइल पे चले आते हैं, ओपन प्रोजेक्ट, इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं, देन ओपन। आप देख सकते हो दोस्तों ये फाइल मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इस फाइल को यूज़ कैसे करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ हम लोग एक डेमो कोई वीडियो ले आते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप में एक वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग ड्रैग करके आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे ड्रैग करके ले आते हैं। अब इसे हम लोग यूज़ कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे एक कॉम्प बना लीजिए। जैसे मेरा यहाँ पे 10 सेकंड का एक कॉम्पिटिशन ले लेते हैं, ओके। देन यहाँ पे एक वीडियो को ड्रैग कर लेते हैं, ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में आपको लोअर यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, यूज़ कॉम्प वाला फोल्डर को ओपन करेंगे यहाँ से, देन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट वगैरह कुछ भी, देन यूट्यूब। तो यहाँ पे किसी भी लोअर थर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब को ड्रैग किया, अभी यहाँ पे देख सकते हैं जब प्ले करेंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे चेंज करना होगा टेक्स्ट आपको, ठीक है। तो चेंज करने के लिए आपको इस फोल्डर को ओपन करना होगा। मैं बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ यूट्यूब एंड देन यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ से चेंज करना हमें, तो चेंज फॉर टेक्स्ट पे जाएंगे, देन क्या चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब, तो यहाँ पे यूट्यूब पे जस्ट डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, देन टेक्स्ट को जस्ट डबल क्लिक करके यहाँ से यूज़र नेम जो है यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम लोग। देसी मेसी को मैंने लिख दिया, देन मेन कॉम पे चले आप, वीडियो पे देख सकते हैं यहाँ, वहाँ पे चेंज करते हुए ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, देन यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आपका ये लोअर थर्ड यहाँ पे इस तरह कैसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे पोजीशन दे सकते हैं, जहाँ पे मन चाहे वहाँ पे आप इसको रिपोजिशन कर सकते हैं, मूव टूल लेकर के इसे आप यहाँ पे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपको रखना हो वीडियो में रख सकते हैं। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा लोअर थर्ड, डन। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, मैंने आपको एक एडिट करके दिखा दिया। आप सेम वे से सभी को एडिट कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे आपको एडिट करना है जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं, देन यहाँ से ड्रैग करके यूज़ कर लेना आप अपने वीडियो में, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे प्रीमियम प्रो में कैसे यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये डॉट मोगार्ट फाइल नहीं है जिसे आप आसानी से प्रीमियम प्रो में यूज़ कर सकते हैं, बट इस कॉम्प वाले फाइल को भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रीमियम प्रो में। बट इसका एक कंडीशन है दोस्तों कि आपका आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियम प्रो दोनों सेम वर्जन होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास दोनों सेम वर्जन है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट करने से पहले आपको सोच लेना होगा कि लोअर थर्ड में आपका क्या टेक्स्ट होना चाहिए, वो चीज़ आप यहीं पे एडिट कर लें, ठीक है। फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, वेबसाइट या फिर यूट्यूब में जो भी टेक्स्ट है, आप यहीं पे डबल क्लिक करके टेक्स्ट को एडिट कर लें। देन अब जब प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे, वहाँ पे यूज़ वाले कॉम्प ये फोल्डर वहाँ पे भी ओपन होगा, उसे ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीमियर प्रो ओपन करके। इसे अब यहाँ पे एडिट कर ले टेक्स्ट को, देन इस आफ्टर इफेक्ट को यहाँ से क्लोज कर ले। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ओपन होते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे सीक्वेंस बनाना होगा, लेयर पे क्लिक करते हैं, देन सीक्वेंस मैं यहाँ पे 1080x25 फ्रेम को रहने देता हूँ, ओके। देन यहाँ पे हम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वीडियो ले आते हैं दोस्तों। वीडियो जैसे कि मेरा डेस्कटॉप पे, यहाँ पे इसे ड्रैग करके हम लोग प्रीमियर प्रो में यहाँ पे ले आते हैं, देन इस वीडियो को ड्रैग करके हम लोग सीक्वेंस में ले आते हैं, ठीक है। ये वीडियो मेरा सीक्वेंस में ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लोअर थर्ड यूज करना है जो कि आफ्टर इफेक्ट फाइल है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट में उसे एडिट करने के बाद सेव करके क्लोज कर देंगे आफ्टर इफेक्ट को, देन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे आप, इंपोर्ट फाइल, देन यहाँ पे हम लोग चले आएंगे अगेन डेस्कटॉप पे, देन इस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिससे आप, जिसमें आप एडिट करके सेव किए हुए होंगे, ठीक है। इस फाइल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, देन ओपन।
तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों आफ्टर इफेक्ट का फाइल जो है मेरा लिंक हो गया, सारा फोल्डर एंड कंपोजिशन यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम लोगों को क्या यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा एडिट वाले कंपोजिशन को यूज़ यहाँ पे नहीं करना है, ये चीज़ आफ्टर इफेक्ट में ही एडिट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए यूज़ कॉम्प को यहाँ पे ओपन करेंगे फोल्डर को। किस फाइल को यूज़ करना, हम लोगों ने क्या एडिट किया था, यूट्यूब को, यूट्यूब पर जस्ट सेलेक्ट करेंगे देन ओपन, ओके सॉरी अगेन हम लोग यूट्यूब पर जस्ट सेलेक्ट करते हैं देन ओके, ये यहाँ पे YouTube आ जाएगा आपको कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसे ड्रैग करके आप अपने वीडियो में यहाँ पे ले आएंगे, वीडियो को जस्ट प्ले करेंगे तो आपका कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पे आ गया। आप इसे आसानी से लोअर थर्ड की जगह पे यूज कर सकते हैं। आप इसे पोजीशन करने के लिए इस फाइल को जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप इसे जूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं देन इफेक्ट एंड कंट्रोल एंड देन यहाँ पे पोजीशन इसका डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग इसे कहाँ पोजीशन करना चाहते हैं या फिर स्केल करना चाहते हैं, जो भी हो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्केल करना हो यहाँ से आप 80 लिख देंगे, ये छोटा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से रिपोजिशन कर सकते हो दोस्तों, लोअर थर्ड को यूज़ कर सकते हैं आप अपनी प्रीमियम प्रो में भी और आफ्टर इफेक्ट में भी, दोनों के लिए कंफर्टेबल है ये फाइल। तो दोस्तों जैसा कि भी आपने देखा कि मैंने पूरा तरीका से आपको कस्टमाइज करके दिखाया, आफ्टर इफेक्ट में भी एंड देन प्रीमियम प्रो में कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको दिखाया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आप आसानी से इस लोअर थर्ड को यूज कर पाएंगे। अगर लोअर थर्ड पसंद आएगी दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।